रिवॉल्यूशन। तो हमने कहा जहां एक तरफ नेशनल असेंबली बिजी थी क्या करने में, फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए, वहीं रेस्ट ऑफ द फ्रांस कैसा था, टर्मोइल, टेंशन में। क्यों? क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा पड़ी थी, इसका मतलब हार्वेस्ट खराब था, जिस कारण से ब्रेड क्या हो गई थी, महंगी हो गई थी, और बेकर्स ने सरप्राइज क्या कर लिए थे, होर्ड कर लिए थे, ठीक है ना। ऐसे में होर्डिंग, HOARD, सरप्राइज रोक दिए, ठीक है ना। Angry women stormed into the shops and looted supplies. The women को गुस्सा आया, बोला हम कहाँ ले गया, क्योंकि लंबी लंबी लाइन में खड़े होते थे, महंगा ज्यादा पैसा देकर भी खरीदने को तैयार होते थे, बट जब तक आपका टर्न आता था, क्या होता था, ब्रेड खत्म हो जाती थी, खत्म होती थी, किसे वो बोलते थे खत्म हो गई, वो बोलते थे, और ये लोग केस कर सकते उस पे। उस टाइम बेटा कोर्ट कोर्ट होती नहीं थी, राजा का राज था ना, है ना। तो ऐसे में ने क्या किया, दुकानों में घुस गई, अपने आप ही सारे सप्लाईज लूट लिए। ये कहानी तो कहा हुई शहरों में, क्या गाँव में भी सिमिलर चीज हुई? हाँ, ठीक है, गांव में सिर्फ एक अफवाह फैली थी, अफवाह समझते रूमर, हाँ। क्या कि लॉर्ड्स ऑफ मैनर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स टू डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। तो अमीर अमीर लोग जो थे उन्होंने कुछ बंदे हायर करे जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स, मतलब उनका जो ग्रुप होता है, झुंड होता है, उसको क्या कहते हैं, बैंड। ब्रिगेंड्स मतलब जो इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो क्रॉप को डिस्ट्रॉय करने के लिए बंदों को भेजा, ये अफवाह थी। लेकिन इस अफवाह से भी लोग क्या हो गए थे, बहुत ज्यादा डर गए थे। क्यों डर गए थे? क्योंकि इनको लग रहा था कि अगर एग्जिस्टिंग क्रॉप भी डिस्ट्रॉय हो गए तो चीजें इवेंचुअली क्या होगी, और ज्यादा महंगी हो जाएगी। और इसलिए पीजेंट्स ने क्या करा, जो जो हाथ में आ रहा था, होस, पिचफोक्स, और इन्होंने अमीर जो रिच पीजेंट्स थे जिनके घरों को कहा जाता है शॉपे कहा जाता है, उनपे जाके क्या कर दिया, अटैक कर दिया। आई बात समझ में? वहां से इन्होंने सारा की सारा ग्रेन लूट लिया, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, जिसमें उनके मेनोरियल ड्यूज थे। मेनोरियल ड्यूज मतलब मैंने कर्जा लेकर रखा किसी अमीर पीजेंट से, तो उसकी एक चिट्ठी बनी होगी, उन चिट्ठी को क्या बोलते हैं, मेनोरियल ड्यूज के डॉक्यूमेंट्स, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या कर दिया, जला दिया। ये सब देखते जो नोबल्स थे वो क्या हो गए, बहुत ज्यादा डर गए और वो घर से भागने लगे, ठीक है ना। जहां राजा को लगा कि यार अब लोग बहुत ज्यादा रिवॉल्ट कर रहे हैं, मैं इनको अब और ज्यादा होल्ड पे नहीं रख सकता, इनको और ज्यादा संभाल नहीं सकता, तो उसने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूएंट नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया और कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक्सेप्ट कर लिया। राजा ने बोला ठीक है, मेरे पावर्स लिमिट कर दो, आई एम हैप्पी विद लिमिटेड पावर्स, बट ये सारे रिवॉर्ड्स क्या करो, रोको। आई बात समझ में? नेक्स्ट, एक सेकेंड, चलो, व्हाट वर द चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। हमने क्या देखा कि राजा ने इवेंचुअली कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर ली थी, एक्सेप्ट कर ली थी, ठीक है ना। तो ये जो नई कॉन्स्टिट्यूशन बनी, इन्होंने क्या करा, बहुत सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस करे, जैसे कि पहला अबॉलिशन ऑफ टैक्सेस एंड फ्यूडल ऑब्लिगेशंस। बोला जितने भी फालतू 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 टैक्सेस पहले लगा करते थे, जो थर्ड एस्टेट को पूरा बर्डन सहन करना पड़ता था, अब वो टैक्सेस भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्लर्जी मतलब चर्च के लोग जो फालतू के प्रिविलेजेस लेकर बैठे थे, उन्होंने भी अपनी सारी प्रिविलेजेस छोड़ दी। Taxes were abolished, जो 10% agriculture produce हम लोग को देना पड़ता था, वो भी क्या कर दिया, abolished कर दिया। Land owned by the church were confiscated. Church के पास जितने फालतू फालतू लैंड पड़े हुए थे, वो सारे किसने, गवर्नमेंट ने खुद के अंदर कर लिए। आई बात समझ में? और इस तरीके से फ्रांस क्या बन गया, एक constitutional monarchy, ठीक है ना। National Assembly ने देखो 1789 में revolt start हुआ था, और इट वुड बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली, ठीक है ना। एक्टिव सिटीजंस को राइट टू वोट मिला, कौन थे एक्टिव सिटीजंस, मेन अबाउट 25 इयर्स हु पेड टैक्सेस इक्वल टू 3 डेज ऑफ लेबर वेजेस, ठीक है। तो यानी कि जो प्रॉपर्टी सेक्शन था, जिनके पास प्रॉपर्टी थी, उन्हीं लोगों को राइट टू वोट मिला। डिक्लेरेशन ऑफ राइट, उन्होंने बोला अब फ्रांस के लोगों के पास बहुत सारे राइट्स होंगे, जैसे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन और इक्वालिटी बिफोर लॉ। इज दैट क्लियर? बोलो कोई परेशानी? दिस कंप्लीट्स योर यूनिट। हाउ डिड वर्ल्ड
विद प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया स्टार्ट, ठीक है ना। अब समझो क्या किंग लुईस अपना पावर लिमिट करके शांति प्रूशिया प्रूशिया ठीक है ना, क्या किंग लुईस, क्या किंग लुईस अपना पावर छोड़कर खुश था? तो जवाब क्या है, नहीं। उसको कहीं ना कहीं इस बात को दुख था यार, पहले मेरे पास एब्सोल्यूट अनलिमिटेड पावर्स थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आने के बाद क्या हुआ, मेरे पावर्स लिमिट हो गए, ठीक है ना। तो जब ऐसा हुआ कि नेशनल असेंबली बन गई, राजा के पावर लिमिट हो गए, इन सारी बातों से राजा खुश नहीं था। इसलिए राजा ने क्या करा, एक सीक्रेट नेगोशिएशन कर दिया, चुपचाप किसी को नहीं बताना, प्रूशिया के साथ एक प्लान बनाया कि तुम मेरी हेल्प करो, तुम अपनी आर्मी दो मुझे, जिससे मैं फ्रांस की नेशनल असेंबली को डिसबैंड कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। अभी ये सब चल ही रहा था, अभी बातें नेगोशिएशंस चल ही रहे थे, इतने में नेशनल असेंबली ने बोला हम तो प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर करेंगे। अब देश के अंदर रूल बनाने वाले क्या बोल रहे कि हम तो लड़ाई करेंगे। क्यों लड़ाई करेंगे? क्योंकि उनको लगा कि हमने जैसे हमारे राजा के पावर्स को क्या करा है, लिमिट करा है, वैसे ही हम लोग प्रूशियन किंग के पावर्स को भी क्या करेंगे, लिमिट करेंगे। हम ऑस्ट्रियन किंग के पावर्स को भी क्या करेंगे, लिमिट करेंगे। यानी कि हमारी लड़ाई किसके अगेंस्ट है, जिस देश में राजा का राज है, हमारी लड़ाई हर उस देश के अगेंस्ट। आ रही बात समझ में? तो उनको लगता था उनकी जो वॉर है वो किसके अगेंस्ट है, मोनार्की के अगेंस्ट, राजा के रूल के अगेंस्ट है ऑल ओवर यूरोप, ठीक है। तो इनके जो क्या कहते हैं बंदे थे, यानी कि आर्मी थी या जो लोग थे, वो मार्च करते करते गए। मार्सिलीज एक गाना था जो रॉजेट किसी ने वो करा था, जो बाद में फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया, मार्सिलीज। हाँ, मार्सिलीज। आई बात समझ में? क्लियर। अब वॉर तो स्टार्ट कर दी नेशनल असेंबली में जोर जोश में, लेकिन इससे क्या लोग परेशान हो गए? हाँ, फ्रांस के लोग इस वॉर की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गए। क्यों? जहां एक तरफ मेन क्या थे, वॉर लड़ने में बिजी थे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर को देखना, बच्चों को देखना, प्लस पैसा कमाना किसके ऊपर आ गई थी, विमेन के ऊपर आ गई थी। इसलिए कहीं ना कहीं फ्रांस के लोगों को लगने लग गया कि जो नेशनल असेंबली है ये किसने बनाई है, रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ने बनाई है। क्यों रिच सेक्शन? क्योंकि मेन अबाउट 25 ईयर्स जो 3 दिन का टैक्स पे करते थे, अब 3 दिन का टैक्स कौन पे कर सकता है, जो इतना कमाता, हाँ, जिनके पास इतनी सारी प्रॉपर्टी हो, सैलरी हो। आ रही बात समझ में? तो फ्रांस के जो पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे, उन्हें कहीं ना कहीं फील हुआ कि जो नेशनल असेंबली है वो पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर रही है, जो भी काम हो रहा है वो रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए ही हो रहा है। और इसलिए अब फ्रांस के लोग नेशनल असेंबली से भी क्या होने लग गए, डिससैटिस्फाइड होने लग गए। और यहीं पर कहानी चालू हुई किसकी, पॉलिटिकल क्लब्स। Large number of people felt that the 1791 constitution gave right only to richer sections of the society. Political clubs were a rallying point for people, ठीक है, in the war race for the people to discuss government and its policies. आई बात समझ में? हाँ। तो जितने भी political clubs थे, जितने भी political clubs थे, वो क्यों बने थे? Government की बुराई करने के लिए, लोगों में ये अवेयरनेस जगाने के लिए कि जो गवर्नमेंट है, ये जो गवर्नमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम कर रही है, अमीर लोगों के लिए काम कर रही है, पुअर पीपल की नीड बहुत अच्छे से क्या हो रही है, इग्नोर हो रही है। इसमें एक बहुत अच्छा और सक्सेसफुल क्लब कौन सा था, जेकोबिन क्लब। जेकोबिन क्लब्स क्या था, एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल पॉलिटिकल क्लब था, किसके नाम पे बना था, सेंट जेकब के नाम पे बना था। जिसके नाम पे बना था, सेंट जेकब के नाम पे। इसका लीडर कौन था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। इसका लीडर कौन था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। इसके मेंबर्स कौन थे, लेस प्रॉस्परस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के वो सेक्शन जो क्या है, गरीब। आ रही बात समझ में? शू मेकर, पेस्ट्री मेकर, छोटे छोटे लोग थे वो जेकोबिन क्लब्स के मेंबर्स थे, गरीब होते थे, ठीक है। दे स्टार्टेड वेयरिंग लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर्स टू लुक सिमिलर टू डॉक वर्कर। तो जेकोबिन क्लब्स ने अपना एक यूनिफॉर्म डिसाइड कर लिया कि हम लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर पहनेंगे, जिसमें लंबी लंबी लाइनें होती है, ताकि वो किसके लिए, डॉक वर्कर्स।
टू डॉग वर्कर्स जैसे दिखना था क्योंकि डॉग वर्कर्स सबसे गरीब होकर थे, तो वो क्या दिखाना चाह रहे थे कि हम उस सेक्शन को बिलोंग करते हैं जो बहुत गरीब है। वो नी ब्रीचेस भी नहीं पहनते थे, वो नी ब्रीचेस इसलिए नहीं पहनते थे, वो नी ब्रीचेस इसलिए नहीं पहनते थे ताकि उनको लगे, ताकि लोगों को रियलाइज हो कि ये लोग कितने गरीब है, क्योंकि नी ब्रीचेस तो कौन पहनते थे, नोबल्स या फिर अमीर लोग पहनते थे। और उनका नाम क्या बढ़ गया, सैन स्क्रूटोस। ये लोग एक रेड कैप भी पहनते थे, क्यों रेड कैप पहनते थे, टू सिंबलाइज लिबर्टी, टू सिंबलाइज लिबर्टी। आई बात समझ में? हाँ बोलो, कोई परेशानी नहीं? हाउ डेड जेकोबिन्स सीज पावर, हाउ डेड जेकोबिन्स सीज पावर from National Assembly, from how did Jacobins seize power from National Assembly? ये question ऐसे आ सकता है, ठीक है, या फिर आ सकता है how was convention formed, how was convention formed? आंसर लिखो इसका। इन 1792 जेकोबिन्स प्लान्ड एन इंसरेक्शन, प्लान्ड एन इंसरेक्शन, INSURRECTION, इंसरेक्शन ऑफ लार्ज नंबर, इंसरेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पेरिसन्स, of Parisians, Paris, IANS, Parisians, angered by short supplies and high prices of food. तो जितने भी गरीब लोग थे वो बहुत गुस्से में थे, तो उन्होंने इंसरेक्शन, इंसरेक्शन मतलब क्या होता है, वायलेंट अटैक, इंसरेक्शन मतलब क्या, वायलेंट अटैक, इन्होंने वायलेंट अटैक प्लान किया सारे जितने अमीर लोग हैं उनके अगेंस्ट। आई बात समझ में? ऑन ऑगस्ट 10 दे स्टॉर्म Palace of Tuileries, comma, massacred. Massacred मतलब क्या होता है? कत्ले आम कर देना. Massacred King's guards and held the king hostage. तो उसके खुद के घर पे उसको क्या बना लिया? बंदी बना लिया. आई बात समझ में? The assembly voted to imprison. The assembly voted to imprison the royal family. And all men above 21 years of age got right to vote. आई बात समझ में? The newly elected assembly came to be known as convention. ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, पैरिस ऑफ टुइलरीज पे अटैक करा, उसके गार्ड को मार दिया, राजा को उसी के घर पे क्या करा, बंदी बना लिया। बाद में बोला हर बंदा जो 21 साल के ऊपर है उसको क्या मिलेगा, राइट टू वोट, उनको क्या मिलेगा, राइट टू वोट। On 21st September
1792, France abolished monarchy. France abolished 1792. France abolished monarchy and became a republic. And became a republic. Okay. और किसको राजा बनाया? रोबेस्पियर को. अब रूल कौन करेगा? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर. और क्या रिजल्ट आया? किंग लुईस 16 वाज सेंटेंस टू डेथ. किंग लुईस 16 वाज सेंटेंस टू डेथ. क्यों? क्योंकि उसने देश के साथ क्या किया था? धोखा. क्यों देश के साथ धोखा किया था? क्योंकि उसने प्रूशिया के साथ प्लानिंग करी थी. तो इसलिए उसको क्या माना गया? किसने देश के साथ धोखा किया है? ऑन चार्ज ऑफ ट्रिएसन. ट्रिएसन मतलब धोखा. ऑन चार्ज ऑफ ट्रिएसन. ट्रिएसन मतलब धोखा. धोखा गद्दारी जिसको कहते हैं ना, लिटरल सेंस में. ठीक है ना. ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली. ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली. ठीक है. ऑन 21 जनवरी 1793. ठीक है. एट प्लेस दे ला कॉन्डोर. कॉन्कोर्ड. ठीक है ना. और बाद में मैरी एंटनी को भी क्या कर दिया था? एग्जीक्यूट कर दिया था. तो यहाँ पर क्या हुआ? फ्रांस ने, हमने स्टार्टिंग में देखा, पहले मोनार्की थी, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बाद क्या आई? रिपब्लिक आई, जिसका नाम क्या पड़ा? कन्वेंशन. इज दैट क्लियर? हाँ.